मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक में 2020 पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया के बाद पंधाना विधायक राम डोंगरे ने लगाया SDM पर आरक्षण में धांधली का आरोप। पंचायत चुनाव में सरपंच एवं वार्ड पंचों के आरक्षण में गड़बड़ी एवं धांधली का अंदेशा होने पर पंधाना विधायक अपने समर्थकों के साथ जनपद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पंधाना जनपद पंचायत की 84 पंचायतों में सरपंच एवं पंचों का आरक्षण बीते दिन सुबह जनपद के सभागृह में प्रारंभ हुआ। वहीं आरक्षण प्रक्रिया में व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। वहीं पंधाना विधायक राम डांगोड़े जब आरक्षण स्थल के हाल में पहुंचे तो वहां पर ना तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। विधायक ने इस पर नाराजगी जाहिर की। वहीं विधायक की पहल पर आरक्षण हॉल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कराई गई। वहीं शाम होने पर दूर दूर से आने वाले जनप्रतिनिधियों की मांगों पर सरपंच आरक्षण प्रक्रिया पहले चालू करने की बात अधिकारियों से की। SDM ने नियम का हवाला देकर मना किया। इस बात को लेकर भाजपा विधायक राम डांगोड़े नाराज होकर जनपद के सामने ही धरने पर बैठ गए। वहीं उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी जनपद पंचायत के धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। आपको स्वयं आकर यहाँ पर जनपद के सामने धरना प्रदर्शन देखिए, आज सुबह लगभग 11 बजे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सरपंच पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी। पंधाना विधानसभा क्षेत्र में दो जनपद हैं, एक पंधाना और एक छेगांव माखन। छेगांव माखन के सरपंच पद का आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन यहां पर अभी भी देरी लगाई जा रही है। एक तो ये कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी उस आरक्षण प्रक्रिया के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पर चालू नहीं करवाई थी। जब मैं गया तब तक पंचों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। उसमें पारदर्शिता बरतने के लिए मेरे द्वारा उन्हें आग्रह किया गया कि इसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए। दूसरा, जो नियमावली के हार्ड कॉपी है सामने बैठे सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं करवाई गई, ना ही उसको जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया। और छेगांव माखन में यही प्रक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न हो गई और वहां के प्रशासन ने पहले पंचों का आरक्षण प्रारंभ किया, फिर उन्हें लगा कि देरी हो जाएगी, सभी जनप्रतिनिधि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो उन्होंने वो प्रक्रिया रोक करके फिर सरपंच चुनाव की सरपंच आरक्षण की प्रक्रिया चालू कर दी। लेकिन यहां पर आग्रह किया गया तो इन्होंने मना कर दिया। दूसरा, बहुत ही लचीलेपन से आरक्षण की चिट्ठियां निकाली जा रही है, बहुत ही आराम से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं 6 बज चुके सुबह 11 बजे से, अभी तक आधी पंचायतें भी पूरी नहीं हुई। दूसरा, यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी SDM मैडम आधे घंटे के लिए आती है, फिर उठ करके चले जाती है, फिर आधे घंटे के लिए आती है, बैठती है और फिर थोड़ी देर बाद चले जाती है। ये मांजरा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप जिम्मेदार अधिकारी है, लोकतंत्र की इतनी बड़ी व्यवस्था को लेकर के प्रशासन के कार्य को पूर्ण किया जा रहा है, तो आप बार बार यहाँ पर उठ करके फिर वापस क्यों चली जाती, फिर कहीं से अपना काम निपटा करके आते फिर वापस बैठ जाते। तो हमें यह संदेह उत्पन्न कर रहा है कि किसी न किसी प्रकार की इस आरक्षण प्रक्रिया में घोटालेबाजी हो रही है। अगर छेगांव में जल्दी प्रक्रिया संपन्न हो गई है तो यहाँ संपन्न क्यों नहीं हो रही है? अगर छेगांव माखन के अधिकारियों ने बीच में पंच का करके सरपंचों का करा है, या तो वो गलत है या तो फिर ये गलत है। दोनों में से किसी के भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक देश की आजादी के बाद में जितने भी पंचायत चुनाव हुए हैं उनके आरक्षण की प्रक्रिया हुई है, कभी भी शाम के 6 नहीं बजे। लेकिन आज सुबह 11 बजे से शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन पंचों के ही आधे से ज्यादा आरक्षण नहीं हो पाया है, मतलब कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। इस विषय को लेकर के जब व्यक्तिगत रूप से यहाँ सभी के सामने मैडम से बात हुई तो मैडम ने कहा कि कलेक्टर मैडम के आदेश से उसी प्रक्रिया से इसको किया जाएगा। मैंने पूछा कि छेगांव माखन में ऐसा क्यों हुआ, तो फिर पुनः उन्होंने कहा कि कलेक्टर मैडम के आदेश से इसी प्रक्रिया से होंगे चुनाव, आरक्षण की प्रक्रिया होगी, आपको जो करना हो आप कर लीजिए। हम इसी का विरोध करने के लिए आए हैं कि आखिर बार बार SDM मैडम यहाँ से उठ करके क्यों जा रही है, और अगर उनके अधीन ये प्रक्रिया नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों आ रही है, और अगर उनके अधीन है तो यहीं पर पूरे समय क्यों नहीं बैठ रही है, बार बार कुर्सी छोड़ करके।
इसके आगे आपके द्वारा क्या? हम विरोध व्यक्त कर रहे हैं और जो भी प्रक्रिया हो पारदर्शी पूर्ण तरीके से हो। जनप्रतिनिधि 80-80 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी अपना सम्मान है, वो भी काम छोड़ करके आए हैं। अगर छेगांव माखन में जल्दी सरपंचों का आरक्षण हुआ है तो यहाँ पर भी सरपंचों का आरक्षण किया जाए जल्दी, और अगर उन्होंने गलत किया है तो फिर उनके ऊपर। मैडम बता रही है कि कलेक्टर मैडम के आदेश से छेगांव में अलग हुआ है, यहाँ पर अलग होगा। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।